ये किस रखे? तू उधर कहां घुसता है यार? चल, हम लोग खूनी नहीं है, हमने किसी का खून नहीं किया है। तुम तो जानती हो शालू, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हम ही एक दूसरे के रोते हैं तो भी एक दूसरे के आंसू पहुंचते हैं। हम दोनों एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हमने किसी का खून नहीं किया। मगर वैशाली समझता है कि उसके भाई की हत्या हमने की है। मैं जानता हूँ भैया की हत्या आप लोगों ने नहीं की। उस दिन जज्बात में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या बोल गया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तू तो बोल गया, लेकिन हमारे सीने पर तो हथौड़े पड़ गए ना, और ऊपर से पुलिस भी पीछे पड़ी हुई है। कब किसी की गोली लग जाए, पुलिस की या मुजरिम की? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप जैसे बेगुनाह इंसानों को सजा की सूली पर कभी नहीं लटकने दूंगा। साला अपन भी तुम लोग के साथ है, साला ऑटो रिक्शा बंद कर देगा लेकिन असली कातिल का पता लगाएगा। तुम लोग रोता काहे को है? नहीं रोना, तू जाके ब्रेड लेके आ, अपन ऑमलेट बनाता है तुम लोग के लिए, फर्स्ट क्लास आता है अभी। ये लोग क्या क्या बोले, घबराहट मेरे कुछ समझ में नहीं है। मैं जाके दुकान देख कर आऊं? पागल हो गया, अगर पुलिस ने कही तो पुलिस आ गई। तेरो कैसे मालूम, तेरो दिखता है क्या? अरे सुनाई तो देता है, पुलिस का हॉर्न बज रहा है। अरे यही कहीं छुपे होंगे। आई सर इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ मैं। यहाँ मुजरिम जहाँ घुर पड़े वहाँ। मुजरिम कौन? मुजरिम? हाँ मुजरिम हमेशा निशान छोड़ जाता है। ओ ऑमलेट खाएंगे? हाँ क्यों नहीं जरूर खाऊंगा, मैं तो ऑमलेट का शौकीन हूँ। लेकिन यहाँ एक शैम्पू की बोतल तो नहीं है? एक शैम्पू? हाँ जहाँ एक शैम्पू होता है ना, वहाँ ऑमलेट बनाने में हमेशा गलती हो जाती है। मैं एक शैम्पू नहीं यूज करती। हाँ तुम्हारा पति हमेशा सुखी रहेगा। यहाँ अंधे बहरे आए हुए हैं? अंधे बहरे? कौन अंधे बहरे? कौन अंधे बहरे? कौन अंधे बहरे? अच्छा वही जिन्होंने तुम्हारे लवर के भाई का खून किया और ड्रामा करके जेल से फरार हो गए वही। अरे वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ क्यों आएंगे? हाँ फिर इतने सारे ऑमलेट किस लिए बनवाए? पड़ोसियों के लिए? आप लोगों के लिए। अच्छा तुमको क्या सपना गिरा था क्या कि मैं यहाँ पुलिस की बारात लेकर आ रहा हूँ? अरे ऑमलेट खा रहे हो, रख दो ऑमलेट, रख दो, जाओ उन अंधे भैरों को ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जाओ। अंदर तो नहीं है, ऊपर भी नहीं है, लगता है इस खटिए के नीचे होगा। ये कोई मिला? मुझे कहां से मिलेगा? क्यों अंधे हो? अब पता चला। आई जी सर। क्या करता है यार? सर पूरी एक कमरे में दो दो आईडी। सर सर बात दरअसल ये है कि जहाँ हीरो की डकैती हुई थी वहाँ का आईजी मैं हूँ। और बात दरअसल ये है कि जहाँ हीरो की डकैती होने वाली वहाँ का मैं, नहीं नहीं मतलब यहाँ का मैं। बात समझ नहीं आई क्योंकि वो घोरपड़े साहब तो बाहर खड़े हुए हैं सर। हो ढिला हो समझ में नहीं आ रहा है सर, घोरपड़े साहब बाहर खड़े हुए हैं सर। आहिस्ता बोल, बह रहा हूँ क्या, हमें घोरपड़े की समझदारी पर शक है। मुझे भी शक है। मुझे भी शक है। शक है हाँ, इसीलिए उन पर नजर रखने और मैं उनकी हरकतों को सुनने आया हूँ। तुम्हारा जो घोरपड़े है वो असल में कांदाला हाथ रखना है। इंस्पेक्टर नहीं गधा है। गधा है इसीलिए हम लोग देखने आए कि वो मुजरिमों के पीछे बराबर जाता है कि नहीं, यकीन करने आए। सर आपको एक काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमें मत समझाओ कि हमें क्या करना चाहिए था। ऐसा करो तुम इस कमरे का ध्यान रखो। ऐसा करो तुम इस कमरे का कोना कोना छान मारो और घोरपड़े को पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ है। ओके सर। ओके सर। समझ में आया? ओके सर बोलो। ओके सर। बोला सुनाई नहीं दिया? गधा है, गधा है। अरे क्या हो गया सर? वो आप सर आप अरे आप क्या कर रहे हो? मैं क्या गधा लगता हूँ क्या? नहीं 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 सर, आप बोले आप गधे हो क्या? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। यहाँ अंधे बहरे तो नहीं है ना? नहीं सर नहीं है, कोई नहीं है, पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है सर। चलो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऑमलेट बहुत अच्छा था,
विशाल को तो हमने समझा दिया, मगर अब कानून को कौन समझाएगा कि हम लोग खूनी नहीं, हम लोग खून नहीं किया है। दुख की चिंता क्यों, पुलिस को कैसे समझाएंगे कि हम लोगों ने कुछ भी तो। अरे खुशबू बदल गई, आज ही लगता बदल गया। अरे छोड़ना, अरे छोड़ पितामर, निरामर ये तो छोड़ा, भूख लगी तो होटल में जाके खाना खाना, मेरा पेन क्यों निकालता है। नीलांबर इधर क्या, अरे क्या हो रहा है यार नीलांबर। तो बड़ खबर जमीन। अरे क्या करता, क्या था, ऐसा था कि तू था हो जाता, गायब हो जाता। अरे खाई उतर। क्या बात है तेरे पेन में कि सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। अरे हाँ, क्या सारी दुनिया तेरे पेन के पीछे क्यों पड़ी है। पेन मालूम नहीं यार, करोड़ों रुपए का थोड़ी है, 3 रुपए में लिया था, सब लोग मेरे पेन के पीछे। ये पेन नरम क्यों हो गया, क्या कर रहा है, मेरी नाक है, पेन थोड़ी है। अच्छा ला दिखा, दिखा पेन इधर है, दिखा ना, निकाल आओ। एक मिनट, क्या 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 कर रहा है, क्या क्या देख क्या रहा है। पकड़ पकड़ ये क्या है। अरे पेन में कागज, कागज खोल के दिखा, खोल के देख, कुछ लिखा है। अरे इसमें लिखा है क्या, हीरे रिक्शा नंबर 901 में। तो सारी मारा मारी पेन के लिए नहीं, हीरों के लिए हो रही है। मुझे याद आ रहा है पिताम्बर, एक मरतबा विशाल का भाई अपने डिपार्टमेंट स्टोर में आया था ना, तो उसके गले में ऐसी पेन लटक रहा था। ओ, तो कातिल मनीष के पीछे होंगे। मनीष हमारी दुकान में आया था, उसने अपना पेन वहां रख दिया होगा और तुम्हारा पेन उठाकर ले गया होगा। अब तो स्टोरी सारी समझ में आ रही है। जब ही वो इस पेन के जरिए वो लोग हीरों तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए हमारी गर्दन काटना चाहते हैं हरामखोर। नीलांबर हमारा फर्ज है मनीष के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। हाँ, और अपना 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 गला फांसी के फंदे से बचाएं। गला कैसे बचाएंगे, मगर पहले तो हीरे ढूंढना चाहिए और उसके बाद कानून के हवाले करना चाहिए ना। और उससे पहले हमें रिक्शा नंबर 901 ढूंढना पड़ेगा। रिक्शा नंबर 901 कहाँ से ढूंढेंगे, पता कहाँ से मिलेगा। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया, वो शालू के रिक्शा का नंबर क्या है। रिक्शा का 901। क्या करता है, अरे हमेशा गलत जगह घुसता। चल शालू, कौन है आप लोग। मैं पिताम्बर। हाँ मैं नीलांबर। अंकल शालू का रिक्शा कहाँ है। रिक्शा तो दीदी ने बेच दिया। रिक्शा तो दीदी ने बेच दिया, बेच दिया। इन आंधे भैरों ने तो मेरी लाइफ की साली खिचड़ी बना दी है। भगवान करे ऐसा आंधा भैरा तुमको रोज मिले। क्या बोली, ताकि तुम इधर माल इस तरह करा सके। अरे क्या बोलती है, मेरी नौकरी लफड़े में आ गई है मालूम है। ऊपर से साला तेरा बाप बैठा है सांप बन के। मेरे बाप को सांप बोला, सांप नहीं सांप बोला, सांप सांप। हाँ करो करो मालिश करो। कान में तेल डालू। नहीं नहीं कान में तेल नहीं डालने का, काई को? अरे दूसरे कान से बाहर आ जाता है, खड्डा है। अरे खड्डा नहीं, तू काम कर। ड्यूटी पे हूँ, अब मैं कंप्लेंट लिखूंगा, एंट्री लिखूंगा। मेरा डंडा कहाँ है। डंडा, तुम्हारा डंडा तो मैंने 2 दिन से देखा ही नहीं। ए, ए, सवेरे सवेरे कौन से डंडे की बात करती है। अरे साला कविता करती है क्या। मैं बोलता हूँ साला, तू बोलती है आला। आला रे आला, साला आला, रिक्शा आला। अरे ये नंबर का क्या घोटाला है। अरे जीजा जी, कोई भी लफड़ा हुआ ना तो ठेका नौ, नौ का छे, ठेका नौ, नौ का छे, और कोई भी घफला हुआ तो अपन नौ नौ ग्यारह। नाश्ता क्या हुआ। मिल गई, मिल गई रिक्शा नंबर 901। तुम दोनों भाई बहन भी कमाल के हो। तेरी बहन ने बाप से बगावत करके मेरे से शादी कर ली, और तूने भी बाप से लड़ाई करके कसाई की लड़की से शादी कर लिया।
जीजा जी जब चीज पसंद आ जाती है तो क्या कसाई और क्या बकरा, जो पसंद आया वो खा लिया। टाइम मिलेगा तो जरूर आना। अरे मेरे को तो लगता है कि मैं इधर ही चले जाऊं। साला जीजा जी, ये लो मेरी रिक्शा की। ये तो ट्रेन घोड़ बड़े मिल गया। अरे तो भाग। अरे अरे भाग चलो। किधर है? अरे क्या? अरे क्या है, क्या है? नीचे नीचे मुझे मालूम है, नीचे कुछ नहीं, अंदर है, अंदर अंदर। हाँ अंदर क्या है? अरे डोंट डिस्टर्ब मी, अंदर भैरो। गुरुपुरु साहब पागल हो गए? कमिश्नर को खबर करनी पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगा। मैं लेट गया। नहीं छोड़ूंगा। कानून से गद्दारी, कानून से बगावत, शिवाजी महाराज की जय। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन है, कौन है? अंधा या भैरा? मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। अंधा क्या बोल रहा है? किसको नहीं छोड़ेगा? गली में था। तू उधर कहाँ घुसता है? फिर गली में आ गया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर अरे क्या? सॉरी इडियट। नहीं छोड़ूंगा। शिवाजी महाराज की जय। जा जा जा, चुप, आवाज़ मत करना। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यस डॉक्टर। पेशेंट रेडी है? यस सर। डॉक्टर साहब मुबारक हो, ये आपका पहला ऑपरेशन है। ऐसी बात नहीं है, जानवरों के हॉस्पिटल में तो मैंने कितनी बार कुत्तों का, बिल्लियों का ऑपरेशन किया है, ये दूसरी बात है कि आज पहली बार किसी इंसान का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। इन दोनों का किस चीज का ऑपरेशन करना है? इनका किडनी का और इनका हर्निया का। ले चलो दोनों को, बहुत तकलीफ है, ले चलो। अरे क्या पिताम्बर, ये लोग हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? ऑपरेशन करवाने। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? हम लोग। ये अस्पताल का स्लॉटर हाउस है, आदमी को बकरी की तरह काटोगे क्या? छोड़ो, हम लोग मरीज नहीं है। खामोश। नर्स। यस डॉक्टर। बेहोशी का इंजेक्शन लाओ। जी ये लीजिए। तुम्हें मालूम नहीं मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है? मेरा इंजेक्शन लाओ। ओके डॉक्टर। पिताम्बर, ये हाथी घोड़े को लगाने वाला इंजेक्शन हम लोग लगाने जा रहे हैं। मेरी रकम घोड़े से मिलती है क्या? पहले
क्यों नहीं बताया? अच्छा बेटा हो क्या हुआ? भाग रहे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा छाप मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोलो कहाँ है, कहाँ है अंधे भाई, कहाँ है अंधे भाई, बोलो जल्दी बोलो, कहाँ है, कहाँ है? जरूर ये मेंटल केस है। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, नहीं छोड़ूंगा, इंस्पेक्टर हूँ। अरे यहाँ देखा उसको, कपड़े लेकर पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ रही है और वो नंगा नंगा ही घर से बाहर निकल जाता है। किधर किधर है वो? साहब नंगा इधर था। नहीं खेल इधर। शट अप, वो तुम्हारा बॉस है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे